Good morning friends, today I am here with light part 1 of 7th standard. In today's session, we are going to discuss about light travels through a straight line, reflection of light, image formed by a plane mirror, spherical mirrors, image formed by concave and convex mirror, uses of concave mirror and uses of convex mirror. So let us start the session. First it is about लाइट ट्रैवल्स थ्रू स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा सीधे ट्रैवल होता है. इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक कैंडल को फिक्स करेंगे टेबल पे और उसे हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, और उसके बाद एक स्ट्रेट पाइप लेंगे इस तरह का, और उससे हम क्या करेंगे, इसको कैंडल फ्लेम को देखेंगे इस तरह से. तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि वो जो है कैंडल का फ्लेम दिख रहा है. क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट हमेशा सीधे आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन में, तभी यू आर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम. बट अगर इसी को हम बेंड करेंगे, ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आप उसको बेंड करके देखोगे तो आपको वो फ्लेम नहीं दिखाई पड़ेगा. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट व्हाट लाइट ऑलवेज ट्रैवल थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ देखिए, इस तरह से भी आप बना सकते हो, तीन कार्डबोर्ड लेके और कैंडल फ्लेम रख के, एक सीधे होल, तीनों में बराबर डायरेक्शन होना चाहिए होल का प्लेस, तो आप दूसरे लास्ट होल से देखोगे तो यू कैन सी द कैंडल फ्लेम. यहाँ देखिए, इसमें ये पाइप है, ये कैंडल है, दिस इज अ, सो यू कैन ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम थ्रू दिस स्ट्रेट पाइप. बट वेन एवर यू बेंड इट, अगर इसको बेंड कर दोगे तो क्या होगा, लाइट ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पे आपका लाइट ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ ब्लॉक हो जाएगा. यहाँ जैसे देखिए, इसमें इस तरह का बेंड हुआ तो ये क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे लाइट ब्लॉक हो गया, तो द पर्सन इज नॉट एबल टू सी, बट इन दिस केस ही इज एबल टू सी. सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट लाइन. यहाँ भी वही है, सेम है. अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर लाइट किसी मिरर पे, जैसे मान लो ये मिरर है और इस पे एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, इस पे रे ऑफ लाइट जाएगा तो क्या करेगा, लाइट रे अपना पाथ को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो वो जो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है मिरर के द्वारा, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, so whenever any ray of light falls on a mirror, then that ray of light changes its direction, changes its path, and this changing of path is done by this mirror, so this is called as reflection of light. Here in the figure you can see, this is mirror hai ek, is pe ek light ray fall ho gaya, yahan pe light, here light ray is falling on the mirror, and as soon as it is falling on the mirror, it will changes its path, apna wo direction badal liya, ye idhar se aa raha tha, wo kahan se laga, is direction mein gaya, to ye jo light ray fall hoga that is called as incident ray, aur jo path change hoke jo light jayega that is called as reflected ray, aur ye dono ke beech mein ek imaginary line hai that is perpendicular to the surface of the mirror, use hum kya bolenge, normal line bolenge. ठीक है, अब इसके लिए भी एक आप एक्टिविटी कर सकते हो. घर में एक टॉर्च लीजिए, उसको पूरा कवर कर दीजिए, ग्लास उसका जो है, ठीक है, चार्ट पेपर से, और उसमें एक छोटा सा होल बना दीजिए जिससे कि वो लाइट आ सके, बीम ऑफ लाइट आ सके. और एक वुडन बोर्ड लीजिए, उस पर आप एक चार्ट पेपर या कुछ प्लेन पेपर डाल दीजिए. अब एक मिरर को ऐसा वर्टिकली रखना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर लाइट रे टॉर्च से करना है, आपको डालना है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, देन व्हाट यू विल फाइंड दैट वहां पेपर पे एक आपको डायरेक्शन चेंज करता हुआ लाइट रे दिखाई पड़ेगा. सो दैट इज शोइंग दैट लाइट चेंजेज इट्स पाथ. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंज होगा. सो और अगर आप टॉर्च को थोड़ा इधर उधर मूव करोगे तो वो डायरेक्शन भी आपको चेंज होता दिखाई पड़ेगा. इसमें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो आप इसको
करके देखोगे घर में, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक शीट लिया, वुडन बोर्ड या जो भी है, टेबल पे भी कर सकते हो। टॉर्च का एक बीम ऑफ लाइट गया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ओके। और ये दोनों एक नॉर्मल, बीच में हमने बताया आपको इमेजिनरी लाइन है, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल लाइट, और यहाँ एक एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल लाइट, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों भाई? क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, और ये दोनों के बीच में जो बन रहा है उसे बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? बिकॉज इट इज एंगल इज फॉर्मिंग बिटवीन द, किसके बीच में बन रहा है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। और हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के बीच में अगर कर रहे हैं तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। यहाँ देखिए, ये टॉर्च का लाइट इधर आया और इधर आया, मान लो ये सेंटर में, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जब कोई प्लेन मिरर में इमेज बनता है। प्लेन मिरर आप रोज देखते हो मिरर में, दैट मिरर वो क्या है? प्लेन मिरर है, तो उसका इमेज हमेशा क्या होगा? इरेक्ट होगा। अब ये देखिए, जैसे ये कैंडल आपको दिख रहा है, उसमें देखिए सीधा ही इमेज बना है, ये मिरर में दिख रहा है आपको इमेज, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और आपको मिरर में इमेज भी दिख रहा है, ठीक है। सो इमेज कैसा होगा उसका? सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा। और सीधा इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। हाँ, सीधा को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ऐसा इमेज जिसको कि हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। अगर स्क्रीन पे दिखाएंगे तो कैसा होगा? आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा, तो स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो इमेज का साइज जो है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उतना ही हमारा किसका साइज रहेगा? इमेज का साइज रहेगा, ठीक है। और डिस्टेंस जो है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस मतलब मिरर से इमेज का डिस्टेंस और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अंदर में जो मिरर के अंदर में दिख रहा है वो क्या हो रहा है? इमेज दिख रहा है, तो दोनों बराबर रहेगा। अब ये देखिए कैसे, इसको अगर आप पास करेंगे तो भी पास आएगा, इसको अगर आप दूर करेंगे तो देखिए वो भी दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, देखिए दूर हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑलवेज, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज और है कि प्लेन मिरर में आपका राइट साइड लेफ्ट दिखाई पड़ता है और लेफ्ट साइड हमेशा राइट दिखाई पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। सो व्हाट इज लैटरल इन्वर्सन? इन ए प्लेन मिरर लेफ्ट अपीयर राइट, मींस इमेज ऑफ द लेफ्ट अपीयर राइट एंड इमेज ऑफ द राइट अपीयर लेफ्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्सन। यहाँ देखिए, एक प्लेन मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा है, वो देखिए उसका जो इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, ओके। नो दिस इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, साइज में देखो दोनों बराबर है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी बराबर है, मीन्स this is the object distance and this is the image distance, so always the object distance is equal to image distance and size of the object is equal to the size of the image, aur kya hoga wo virtual hoga, erect hoga, seedha hoga। yahan dekhiye ab isme lateral inversion hai, iska right hand इसका राइट हैंड यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है कि अरे ये तो इसका लेफ्ट हैंड है। सो राइट हैंड ऑलवेज अपीयर्स एज लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर एज राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्सन। हियर ऑल्सो ट्विन दिख रहा है दोनों, वाई दे आर लुकिंग लाइक ट्विन? बिकॉज इट इज अ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम किसे बोलते हैं?
तो स्फेरिकल मिरर पहले हम समझेंगे कि किससे बनता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है कि एक हॉलो ग्लास का स्फेयर है, ग्लास का स्फेयर है, उसको हम कट कर देते हैं। एक बॉल है, मान लो बॉल है, बॉल को ऐसा कट किए देख, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसमें देखिए, मिरर में एक साइड पॉलिश रहता है, एक साइड पॉलिश नहीं रहता है। तो जब हम हॉलो स्फेयर का आउटर साइड को पॉलिश करेंगे और अंदर वाला जो साइड है उसको हम नहीं पॉलिश करेंगे, वहां से रे ऑफ लाइट को पास करेंगे, तो इस तरह का मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब क्या हो गया, आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनर साइड है। बट जस्ट अपोजिट टू इट, सपोज इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, आउटर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है और इनर साइड अगर उसका पॉलिश्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझा, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग साइड, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका क्या है, आउटसाइड है, हाँ, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इनसाइड है, और पॉलिश्ड कहाँ है, आउटसाइड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड और पॉलिश्ड आउटसाइड, देन इट इज कॉनकेव मिरर, ओके। अब यहां क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसमें आउटसाइड और पॉलिश्ड कहां है, इनसाइड, देन दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। एक स्टील का चम्मच, वो भी एक मिरर का काम करता है। अगर नया नया आपके पास घर में चम्मच होगा तो उसको देखिएगा, इनर साइड वाला जो है वो क्या करेगा, कॉनकेव मिरर बिहेव करेगा, और आउटर साइड वाला क्या बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा। यहाँ देखिए, दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, हाउ इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द हॉलो स्फेयर, कट कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा निकाल लिया, यहाँ से थोड़ा कट करके निकाल लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनर साइड को पॉलिश करेंगे, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, देन दिस इज कॉन्वेक्स, और अगर आउटर साइड पॉलिश करेंगे, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, देन दैट इज कॉनकेव। ये देखिए, दिस इज द कॉनकेव, दिस इज द कॉनकेव, इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड दिस इज द कॉन्वेक्स, आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ये आप ध्यान में रखेंगे दोनों डिफरेंस। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज जो है कॉनकेव मिरर में अगर फॉर्म्ड होगा तो वो या तो स्मॉलर होगा या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी साइज में, देखिए अगर इसको अलग ऐसा ऐसा करते जाएंगे, इसका साइज में ना चेंज होगा, ठीक है, साइज में बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या है कि इमेज जो है कॉनकेव मिरर में या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, और हमेशा जो है इमेज या तो रियल बनेगा, यानी कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, मतलब इमेज कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा, ये कैंडल आपको ऐसा रखोगे और दिखाई पड़ेगा ऐसा, सो दैट इज रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, या वर्चुअल बनेगा, तो दोनों तरह का इसमें इमेज बनेगा, ओके, आइदर इट इज इन्वर्टेड और इट इज इरेक्ट, बोथ द टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। एक एक्टिविटी है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर को एक स्क्रीन पे रखना है और एक कैंडल को जलाना है, और 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर रखना है कैंडल को, और उसको इमेज को देखना है, कैंडल फ्लेम का इमेज को स्क्रीन में उसमें देखना है, उसको स्क्रीन में लगा के हम करते हैं, उसको सरकाते जाते हैं।
ठीक है, और इमेज को हमें देखना है, मिरर में इमेज को देखना है, और धीरे धीरे करके कैंडल को क्या करना है, एकदम पास लाते जाना है ना, अलग अलग डिफरेंस डिस्टेंसेस पे, और उसको इमेज को ऑब्जर्व करना है। तो एक टेबल हमने बनाया है जो कि एक्सपेरिमेंट को करके आप देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए, अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अगर मिरर से 50 सेंटीमीटर का लेते हैं तो उसका जो इमेज है वो कैसा बनता है, स्मॉलर बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो ये क्या होगा, रियल, हमेशा इन्वर्टेड इमेज रियल होगा। 40 सेंटीमीटर पे लाते हैं तो सेम साइज बनता है, वो भी इन्वर्टेड और रियल। 30 सेंटीमीटर पे लाते हैं तो बड़ा हो जाता है, वो भी इन्वर्टेड रियल। फिर आपका 20 सेंटीमीटर पे लाते हैं तो भी लार्जर इन्वर्टेड रियल होता है। 10 सेंटीमीटर पे लाते हैं तो लार्जर बट वो इरेक्ट हो जाता है, तो वर्चुअल हो जाता है, यानी वर्चुअल हमेशा इरेक्ट रहेगा और रियल हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। 5 सेंटीमीटर पे भी लाएंगे तो वो लार्जर और इरेक्ट बनेगा। तो ये एक एक्टिविटी है जिसको कि आप कर सकते हो। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, टॉर्च में रिफ्लेक्टर का काम करता है, कार के जो हेडलाइट है उसमें रिफ्लेक्टर का काम करता है, स्कूटर एटसेट्रा में जो लाइट है, हेडलाइट लाइट सामने का, वो एज ए रिफ्लेक्टर का काम करता है। और डेंटिस्ट लोग जो हैं यूज़ करते हैं टू सी द लार्जर इमेज, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कॉनकेव इमेज, कॉनकेव मिरर में बड़ा इमेज भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो डेंटिस्ट लोग उसे यूज़ करते हैं इमेज, दांत के इमेज को देखने के लिए, और आई को एग्जामिन करने के लिए, ईयर को एग्जामिन करने के लिए, नोज़ को, थ्रोट को, तो इसमें डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। यहाँ देखिए दिखाया गया है कार का, और ये आपका दांत, उससे हम देख सकते हैं मिरर लगा के, फिर टॉर्च में मिरर रिफ्लेक्टर का काम करता है। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, मतलब वो इमेज कभी भी स्क्रीन पे हम दिखा नहीं सकते हैं, और हमेशा उसका साइज जो है छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं बनेगा। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है। तो हम साइड में गाड़ी चलाते हैं, दोनों साइड में एक एक मिरर रहता है, तो वो कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। आपने देखा होगा पूरा पीछे का पूरा इतने छोटे सर्कल में पूरा आपको दिखाई पड़ जाता है ना, पूरे चीज़ उसमें दिखाई पड़ते हैं, कार में, स्कूटर में, साइड में जो मिरर रहता है ना। तो मतलब इसमें क्या होगा कि वाइडर व्यू छोटे से इसमें दिख रहा है, पूरा वाइडर व्यू, तो उससे क्या होता है, ड्राइवर को हेल्प मिलता है ट्रैफिक पीछे कितना है नहीं है वो देखने के लिए। तो ये जनरली व्हीकल्स में इसे यूज होता है। ये देखिए दिख रहा है साइड व्यू में, पूरा पीछे का व्यू दिख रहा है। थैंक यू। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन।